Now see, a right circular cone of base diameter 100 mm. Right circular cone of base diameter दिया हुआ है, अपन इसको ऐसा करेंगे ये base diameter हो गया, कितना है 100 mm. And height is 200 mm. ये हो गया आपका height. Right circular cone का height है 200 mm, है ना? Is placed on the hemisphere. ये राइट सर्कुलर कोन किस पर रखा हुआ है? हेमिस्फीयर पर, है ना? अब हेमिस्फीयर ऑफ सेम डाया, सेम डाया का क्या मतलब है? जो डाया इसके बेस का है वही डायमीटर हेमिस्फीयर का, करेक्ट है ना? तो आता है हेमिस्फीयर आशा पद्धति से, ये हेमिस्फीयर ऐसा है उसके ऊपर ये कोन रखा हुआ, तो आपकी फिगर कैसी बनेगी? ये एग्जाम्पल में फिगर कैसी बनेगी? ये है आपका, सपोज मैं निकाल रहा हूं इधर, ये कोन है, है ना? और ये कोन का जो बेस डायमीटर है वही डायमीटर किसका है? हेमिस्फीयर का. मतलब ये हो गई आपकी फिगर, इस एग्जांपल की फिगर. कोई डाउट है इसमें? अब देखो हम लोगों के पास फिगर रेडी है, फिगर रेडी है. ये यहाँ से यहाँ तक या टोटल आप डायमीटर लिख सकते हो 100 mm लिख सकते हैं, और ये हाइट है 200 mm. तो यहाँ से ये कितना होगा? ये कितनी असर है? 100 है, ये 100 है, 50. तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस हो गया ना, ये 50 mm होगा ना, हुआ कि नहीं? तो ये हमारी फिगर रेडी हो गई. अब इस फिगर को हमारे प्रोसीजर के हिसाब से क्या करना है, हम लोगों को इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करना है. कुछ डाउट है इसमें? हमने क्या किया, राइट सर्कुलर कोन और हेमिस्फीयर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर दिया. तो इसकी वजह से हमें क्या पता चला, हमारा रेफरेंस एक्सिस लेफ्ट साइड वाई है और एक्स एक्सिस से ऊपर जाना, करेक्ट है हा? अब यहाँ देखो ये फिगर आपको सिमेट्रिक लग रही है क्या? सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस है नहीं? अब देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई भी पॉइंट हो आपका एक्स बार कॉन्स्टेंट है. यहाँ से यहाँ तक एक्स बार कितना होगा बोल सकते क्या? अब ये टोटल कितना है दोनों का भी? 100. तो यहाँ कितना होगा? 50. एक्स बार कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ, हम लोग एक्स बार कांस्टेंट है ये हमको समझ में आया, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इस कंपोजिट फिगर को स्प्लिट अप करेंगे दो फिगर्स. पहली फिगर हम लोग लेंगे ये, दूसरी फिगर हम लोग लेंगे ये. कोई डाउट है इसमें? आप पहले फिगर का आपको एरिया निकालने का है कि वॉल्यूम निकालने का है? एरिया, वॉल्यूम. ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन है. ट्रायंगल होता तो हम लोग एरिया निकालते, लेकिन यहाँ कोन है तो ये कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे V1. बोल सकते हैं क्या V1 का क्या फॉर्मूला है? 1/3 pi r² h. अब आपको वैल्यू मालूम है, क्या वैल्यू है? R की वैल्यू मालूम है आपको 50, H की वैल्यू मालूम है आपको 200. कैलकुलेट करो कितना आया बताओ. हमने V1 फाइंड आउट किया, हमको मालूम है X बार कांस्टेंट है. हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं X1, Y1, X2, Y2 और सेपरेट X बार कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो भी चेक करें, ठीक है? अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? X1. X1 कहाँ से मिलेगा आपको? Y एक्सिस से इधर जाएंगे. मतलब क्या, हमने कल देखा था ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, पूरा डिस्टेंस कितना है ये पूरा डिस्टेंस 100 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 50. X1 हमने लिखा 50 mm. अब Y1 निकालेंगे. कल हमने देखा था, मैं यहाँ एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करता हूँ, इसको हमने x एक्सिस y एक्सिस में ड्रॉ किया था, ऐसे हमने किया था, ये आपका क्या हुआ? Y1, है ना? एक्स एक्सिस से जो भी हम लोग काउंट करेंगे वो क्या होगा? Y बार. अब Y बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने कल आपको लिख के दिया था, क्या है वो? h/4, टोटल हाइट / 4. लेकिन कब? जब एक्स एक्सिस के ऊपर इस कोन का बेस होगा.
अब इस कोन का बेस x एक्सिस से ऊपर है क्या? नहीं। x एक्सिस से कितना दूर है फिर वो? यहाँ से यहाँ तक कितना? 50 प्लस करना पड़ेगा ना फिर, 50 प्लस। अब यहाँ से h बाय 4, h कितना है? फॉर्मूला y बार का h बाय 4 फॉर्मूला है ना, 200 बाय 4 कितना हुआ फिर? 100 है ना, टोटल कितना हुआ? 100 mm, mm में दिए हुए ना सारे चीजें। तो फिगर 1 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमने v1 कैलकुलेट किया, x1 कैलकुलेट किया, y1 कैलकुलेट। अब हम लोग फिगर 2 के ऊपर आते हैं और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। v2 का वॉल्यूम का क्या फार्मूला है बोल सकता कोई? हेमिस्फीयर का फार्मूला 2π r³ π r³ r की वैल्यू मालूम है आपको 50। चलो कैलकुलेट हो गया। अब आप हम लोगों को x2 फाइंड आउट करने का, x2 कल हमने ये फिगर भी देखी थी है ना, बोल सकते क्या कल आपने ये फॉर्मूलास देखे थे? क्या थे फॉर्मूले मालूम है आपको? x² = r। लेकिन कल हमने क्या देखा था? ऐसी फिगर थी ना, मैं थोड़ा सा तरीके से दिखा दूँ। चलो ऐसे। अब इसका एक्स बार वाई बार कैसे कैलकुलेट किया था? यहाँ से यहाँ का मतलब क्या डिस्टेंस हुआ? ये वाई बार एक्स बार हुआ ना, एक्स बार आर। कल हमने देखा था सबका एक्स बार अगर निकालना है आपको तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी? आर बार, पोजीशन कैसे भी हो। यहाँ पे वाई बार की क्या वैल्यू बोली थी आपको? 3r/8 है ना। लेकिन ये पोजीशन और ये पोजीशन को देखो, दोनों की पोजीशन अलग है ना। अब ये पोजीशन उल्टा है, ये सीधा है, समझो कल अपन ने देखा था उससे अपोजिट ही है ना। तो हम लोगों को आप वाई बार कहाँ से निकालना है? एक्स बार तो आपको मिल जाएगा ही, एक्स टू इज कितना? 50 mm, 100/2। यहाँ पे एक्स टू आर रेडियस बोला हुआ है ना एक्स बार, तो एक्स टू तो मिल गया। वाई टू निकालने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वाई टू निकालने के लिए क्या तरीका है आपके, आपको मालूम है? अगर अगर ऐसा है तो ये बॉटम से लेके सी जी वाई बार के लिए क्या फॉर्मूला है? 3r/8 है ना, 3r/8 है ना, हाँ। ये वैल्यू, लेकिन हम लोगों को अब ये अपना इन्वर्टेड है, इसको उल्टा कर दिए तो हम लोगों को यहाँ से ये वैल्यू चाहिए। ये टोटल वैल्यू कितनी आपकी? r है, r में से ये माइनस किया तो आपको ये मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? टोटल ये वैल्यू कितनी है? आर, आर में से ये माइनस किया तो ऊपर वाला मिलेगा, मिलेगा ना हम लोगों को। अब देखो ये यहाँ पे है समझो, तो ये 3r/8 है, लेकिन हमको यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए, चाहिए ना। तो वाई टू क्या करूँ मैं, टोटल r में से ऊपर वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा ना, r माइनस 3r/8। कुछ डाउट है इसमें? नो, कई कई हे बाल तुम्हें हे फॉर्मूला लिखूँ घेला, पर आज से फिगर उल्टी है। ऊपर वाला जो हिस्सा है समझो ये x एक्सिस है और ये यहाँ से ये सी जी 3r/8 पर लोकेट हुई थी, लेकिन हम लोग x एक्सिस यहाँ है तो यहाँ का पोर्शन बोले तो इतना पोर्शन आपको चाहिए। टोटल पोर्शन r है, उसमें से ऊपर वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा ना अपने, मिलेगा कि नहीं? तो ये y2 का फार्मूला है, r की वैल्यू 50 है। अब वैल्यू डाल के y2 की वैल्यू बोलो, चलो y2 की वैल्यू बोलो फटाक से। y2 की वैल्यू 31.25 mm हो गया। कुछ डाउट है इसमें? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? x बार है ना, x बार का क्या फॉर्मूला है? x1 v1 + x2 v2 / v1 + v2। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 50 mm। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर, ये जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए आपने ये कैलकुलेट किया। ओके, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर है आपके पास। y बार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? y1 v1 + y2 v2 / v1 + v2। चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आता आंसर? 77.0833 mm।
आप अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क कट हो सकता है फाइनल एग्जाम के चेकिंग के दौरान। एक्स बार की वैल्यू 50 mm फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई बार की वैल्यू 77.083 mm फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए होमवर्क है, सेम एग्जांपल है। क्या है एग्जांपल? अ सॉलिड कोन हैविंग बेस डायमीटर 150 mm एंड हाइट इज 150 mm। देखो ये सॉलिड सर्कुलर कोन है, इसका बेस डायमीटर दिया हुआ है 150, इसकी हाइट दी हुई है 150, करेक्ट है। इज प्लेस्ड, ये सर्कुलर कोन इज प्लेस्ड कहाँ रखा हुआ है? ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर डायमीटर 150 mm। अब सिलेंडर भी, सिलेंडर ये हुआ था, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर का डायमीटर भी 150 ही है ना, ये टॉप पोर्शन हो गया सिलेंडर का। एंड हाइट इज हाउ मच? 200 mm। हाइट इज 200 mm सच दैट एक्सिस आर कोलिनियर, मतलब दोनों का एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस सेम है, कोलिनियर। कैसी होगी फिगर? ये मैं फिगर यहां ड्रॉ करता हूं, ये हो गया आपका राइट सर्कुलर कोन और इसी के नीचे एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर की हाइट दी हुई है आपको 200 mm, सिलेंडर का बेस डायमीटर 150 mm, टॉप डायमीटर 150 mm, और ये जो राइट सर्कुलर कोन है इसकी हाइट भी 150 mm। देखो हम ऐसा करेंगे तो एक्सिस कोलिनियर हुआ कि नहीं? वर्टिकल एक्सिस कोलिनियर हो गया ना, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे पहले कोन था, अभी भी कोन है, यहाँ हेमी स्पियर उसका वी वन का फार्मूला कुछ और है और एक्स वन आई वन निकालने का फार्मूला कुछ और, लेकिन सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच बराबर है। एक्स वन अगर निकालोगे तो एक्स वन कहाँ से मिलेगा आपको? वाई एक्सिस है ना, तो एक्स वन मतलब 150/2 और वाई वन निकालोगे तो एक्स एक्सिस से ऊपर 200/2 मिलेगा, करेक्ट है? सॉल्व कर सकते ना? हाँ चलो, ये आपके लिए होमवर्क है।